अचार तो आपने बहुत तरह का खाया होगा और अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ, लेकिन आज जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो बिल्कुल ही यूनिक है, नया है, और शायद ही आपने इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई अचार खाया होगा। तो नमस्कार, मैं हूँ शिखा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है तिवारी किचन में आप सभी का। आज हम बना रहे हैं मिक्स अचार और भी नए कॉम्बिनेशन के साथ। तो इंग्रेडिएंट्स में लेना है 3 इंच के करीब हमने टुकड़ा लिया है अदरक का, और इसको अच्छे से छील के और ये पतले पतले से लंबे टुकड़े काट लिए हैं इसको। ऐसे ही 5-6 आंवले ले लेने हैं, उनको भी आपने ऐसे रफली चॉप कर लेना है। 5-6 हरी मिर्च लेनी है, इसको बीच में से ऐसे कट लगा देना है। ज़्यादा मिर्ची भी आप ले सकते हो अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो। ये 8 से 10 जो है सिंघाड़े हैं, सिंघाड़े को हमने स्लाइस में काट लिया है ऐसे, और इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतारना है। सूखे मसाले में हम देख लेंगे, चिली फ्लेक्स है 1 छोटी चम्मच, और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है। इसके साथ ही राई लेनी है, तीनों तरह की, काली, भूरी और पीली वाली। इसकी क्वांटिटी ऐसे रहेगी, जो काली वाली राई है वो 1 छोटी चम्मच लेनी है, भूरी वाली राई है वो भी 1 छोटी चम्मच लेनी है, पीली जो राई है वो 2 छोटी चम्मच के करीब लेनी है। तो सबसे पहले करना क्या है, इसको ग्राइंड कर लेंगे तीनों तरह की राई को मिक्सी में, अच्छे से महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे इसका। एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, इसमें जितनी भी है अचार के लिए हमने सब्जियां ली हैं वो डाल देंगे, सिंघाड़ा डाल देंगे, इसके साथ ही ये आंवला पाएगा इसमें, इसके साथ ही ये हरी मिर्ची, अब इसमें डालेंगे ये पिसी हुई राई और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे व्हाइट विनेगर, ये 2 बड़े चम्मच के करीब डालना है इसमें, और इसको मिक्स कर देना है। बस इसको एक जार में रख देना है, चाहे प्लास्टिक का ले लीजिए, चाहे ग्लास का ले लीजिए, या फिर बर्फी ले लीजिए। इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, सालों साल चलता है। तो इसको भर लेंगे एक जार में, ये 2 से 3 दिन में तैयार हो जाता है। आपको इसको धूप दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस एक किचन कॉर्नर में किसी शेड प्लेस में रख दीजिए, मुँह पे कॉटन का कपड़ा बांध दीजिए, नहीं तो लूज ढक्कन इसका लगा के रखिए। बस 2 या 3 दिन में ये तैयार हो जाता है खाने के लिए, पराठे के साथ, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ बहुत बढ़िया लगता है। इसका ढक्कन आप ऐसे लूज लगा दीजिए, टाइट नहीं करना है, और किचन के किसी कॉर्नर में जहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती हो, शेडी प्लेस हो, वहाँ पे रख दीजिए। 2 से 3 दिन में ये तैयार हो जाएगा, सालों साल टिका रहता है, बशर्ते आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। गीला चम्मच बिल्कुल नहीं डालना है, जब भी निकालें सूखे हुए स्पून से निकालें तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, वैसे ही बना रहेगा। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।